तो मैं अमेजोन से मैंने ऑर्डर ये किया है, ये 5.1 का डिकोडर है जो मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया है। तो अभी उसका मैं अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाऊंगा कैसा है। ये करीबन 3,000 रुपये में मिलता है, तो मैं अभी उसका ओपन करके आपको दिखाता हूँ अंदर से वो कैसा है। तो दोस्तों, इस तरह से ये पैक किया हुआ आता है प्लास्टिक के अंदर, साथ में एक ट्रबल शूटिंग के लिए गाइड गाइड भी आता है। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसने उसका व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, तो आप उसको पूछ सकते हैं। ये 5.1 चैनल आउटपुट डिजिटल एम्पलीफायर है, प्री एम्पलीफायर है। अभी मैं ये प्लास्टिक खोल के आपको दिखा रहा हूँ कैसा है। सिर्फ ये वेबसाइट पर 3,000 में मिलता है, दूसरी वेबसाइट में ज़्यादा पैसे में मिलता है। इस तरह से ये है। देखो, तो मैं भी बॉक्स में से उसको निकाल के मैं आपको दिखाऊंगा कैसा है अंदर से। तो इस तरह से ये है। डॉल्बी डिटीजर प्रोलॉजिक DTS सपोर्ट करता है। ये दो ऑप्टिकल इन आउट दिया है, ये 2.1 चलाने के लिए, ये 2.5 के लिए है। ये उसका 5 वोल्ट DC है जिसमें ये आप एडप्टर लगा सकते हैं। उसका मैंने 3,000 रुपया पे किया है। आप अगर banggood.com पे जाओगे तो यही आइटम आपको 2300-2400 रुपये में मिल जाएगी, 500-600 रुपया उससे कम होगा। वहीं से ये खरीद के ये लोग देते हैं ऐसे ही। और ओनली सर्किट आप खरीदना चाहे तो banggood.com पे ओनली सर्किट 1100-1200 रुपये में मिल जाती है। उसमें साथ में ये कवर और एडप्टर ऐसा कुछ आता नहीं। जो मैंने ऑर्डर किया है आएगा तो मैं उसका फिर से रिव्यू बनाऊंगा। तो ऐसे है, यहाँ से फ्रंट लेफ्ट, फ्रंट राइट, सराउंड लेफ्ट, सराउंड राइट, सेंटर है, सब ऊपर ऐसा है। तो अभी मैं उसको हुकअप करके ये भी बता देता हूँ कि कैसे वर्क करता है। रियली उसमें ऑप्टिकल का वायर देने का होता है, वो भी मैं कोशिश करूँगा ऑप्टिकल का वायर देख करके भी, और रेगुलर साउंड टेस्ट भी आपको बताऊँगा ये कैसा है। तो दोस्तों, अभी मैंने उसको ऑन कर दिया है। इस तरह से उसमें ब्लू कलर का लाइट आता है। ये 2.1 चलाने के लिए जो लिखा हुआ है, और 5.1 चलाने के लिए है। ये उसका इनपुट है। अब जो इनपुट ऑप्टिकल इनपुट देंगे तो यहाँ लाइट होगी, दूसरे में देंगे तो यहाँ लाइट होगी, और तीसरे में देंगे क्रूशियल में देंगे तो यहाँ लाइट होगी। ये उसके लिए है। ये 2.1 और 5.1 का स्विच है। तो ये उसका ऑक्सिलरी है जिसमें आप सेलफोन लगा सकते हैं, और ये पूरा सारा RCA पिन है जहाँ से आप दो स्टेरियो एम्पलीफायर, एक मोनो एम्पलीफायर और एक सब वूफर हुकअप कर सकते हैं। तो मैं अभी उसको साउंड चेक करके लिए आपको बताता हूँ। साथ में यूजर मैनुअल का गाइड भी साथ में आता है। तो अभी उसका मैं साउंड चेक करके आपको बताता हूँ कैसा है टेस्टिंग के लिए। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने ये सेटअप किया है। ये उसमें जो पीछे दो RCA पिन लगा दिया है जिसका ये फ्रंट लेफ्ट एंड फ्रंट राइट है, और वहाँ से पावर लेके मैंने ये एम्पलीफायर में इनमें दे दिया है। इस तरह से मैंने किया है, और ये दो स्पीकर उसके ऊपर लगाए हैं। ये 60 वॉट का एम्पलीफायर है, तो उसमें ये हेडफोन का आवाज़ जाएगा, और फ्रंट लेफ्ट एंड फ्रंट राइट में कैसा आवाज़ आएगा ये आपको सुनने मिलेगा। तो मैं अभी इस सॉन्ग को ऑन करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, फाइनली उसको ऑन कर दिया है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन पूरा यहाँ पे उसका पूरा डायरेक्शन दिया है, उसको रीड करके मैंने ऑन कर दिया है। तो अभी ये ऑन हो गया है। तो अभी ये
सराउंड लेफ्ट एंड सराउंड राइट चैनल चल रहा है, तो उसका साउंड कैसा आता है मैं आपको सुनाता हूँ। दोस्तों ये सराउंड लेफ्ट एंड सराउंड राइट का साउंड था, तभी मैं उसको चेंज करके दूसरे ये बीच मिडल वाले दो पिन में लगा देता हूँ, जो सराउंड सराउंड लेफ्ट एंड सराउंड राइट है। पहले जो लगाया था वो फ्रंट राइट एंड फ्रंट लेफ्ट में लगा, ये मैंने पहले लगाया है, मेरा बोलने में गलती हो गया। ये फ्रंट लेफ्ट एंड फ्रंट राइट में मैंने ये आपको साउंड सुनाया, अभी सराउंड लेफ्ट एंड सराउंड राइट में सेम सॉन्ग में आपको सुनाऊंगा। तो मैंने ये आपको सुनाया वो सराउंड एंड लेफ्ट सराउंड राइट था, ये दो चैनल का साउंड था। अभी मैं उसको सिर्फ सेंटर साउंड के अंदर उसका आवाज़ आपको सुनाऊंगा, जिसमें सिर्फ एक स्पीकर चलेगा, तो देखते हैं उसका आवाज़ कैसा आता है। दोस्तों अभी ये मैं सेंटर स्पीकर चला रहा हूँ, स्पीकर का साउंड था। अभी उसको मैं सब ऊपर के अंदर लगाता हूँ, क्या होता है देखते हैं। दोस्तों अभी मैंने उसको सब ऊपर पे लगाया है, देखो ऐसा आवाज आता है। Thank you.
सब ऊपर का साउंड था। इस तरह से ये डिजिटल सराउंड साउंड डिकोडर वर्क करता है। तो दोस्तों मैंने पहले आपको फ्रंट लेफ्ट में चला के दिखाया, फिर फ्रंट राइट में चला के दिखाया, फिर सराउंड लेफ्ट में चला के दिखाया, फिर सराउंड राइट में चला के दिखाया, उसके बाद सेंटर में चला के आपको दिखाया और सब ऊपर में भी आपको चला के दिखा दिया। इस तरह से ये काम करता है। कुछ साउंड में कोई लंबा चेंज नहीं आता। अगर कोई अच्छा सेटअप बॉक्स से डॉल्बी डिजिटल उसमें लगाएंगे तो आपको कुछ डिफरेंस देखने मिलेगा। वैसे तो 5.1 का जो TDK का जो मिलता है उसकी तरह से सब स्पीकर सेम ही बजेंगे और ये सब ऊपर थोड़ा सब ऊपर में बजेगा, ऐसा ही है। तभी मैं उसको डिजिटल पे ट्राई करके आपको सुनाऊंगा। तो दोस्तों मैंने ये पूरा सेटअप ये यहाँ पर ये ऑप्टिकल का वायर लगा दिया है यहाँ से, और यहाँ से ये ऑप्टिकल मैंने आउट लिया है, यहाँ से ऑप्टिकल इन है। तो ऑप्टिकल में ये कैसा साउंड बजेगा मैं आपको सुना के भी दिखाऊंगा। पहले फ्रंट लेफ्ट एंड राइट सुनाऊंगा, उसके बाद फ्रंट सराउंड लेफ्ट एंड राइट सुनाऊंगा, उसके बाद सेंटर स्पीकर सुनाऊंगा और उसके बाद सब ऊपर का साउंड सुनाऊंगा। तो अभी मैं उसको ऑन करके आपको सुनाता हूँ। दोस्तों अभी मैं साउंड चालू करने जा रहा हूँ, जो फ्रंट लेफ्ट एंड फ्रंट राइट है, जो मैंने डिजिटल ऑप्टिकल के केबल से यहाँ पर लगाया हुआ है। और अभी उसका साउंड पहले जो किया था वो ऑक्सिलेटिव पर किया था, जो एनालॉग साउंड था ये उसमें मैंने डिजिटल साउंड दिया है, जो ये टीवी से होकर यहाँ पर आएगा डिजिटल साउंड। अभी मैं ऑन करता हूँ। दोस्तों जो आपने सुना वो फ्रंट लेफ्ट एंड फ्रंट राइट वाला साउंड था। अभी उसे दूसरे पिन में डालता हूँ, जो सराउंड लेफ्ट और सराउंड राइट का साउंड है। बहुत अच्छा आवाज़ आ रहा है। अगर डिजिटल का ये ऑप्टिकल का पिन आप कनेक्ट करते हो तो एनालॉग से बहुत अच्छा आवाज़ आता है। दोस्तों अभी ये मैं आपको सराउंड लेफ्ट एंड सराउंड राइट डिजिटल साउंड सुना रहा हूँ, जो ऑप्टिकल से मैंने दिया है। दोस्तों अभी आपने सराउंड लेफ्ट एंड सराउंड राइट का साउंड सुना। अभी मैं आपको सेंटर स्पीकर में कैसा आवाज आता है वो मैं आपको सुनाता हूँ। दोस्तों ये सेंटर स्पीकर का आवाज है। अभी मैं उसको सब ऊपर के सॉकेट के अंदर डालूंगा, जो लास्ट वाला है
उसमें कैसा बजता है पता चलेगा। तो दोस्तों ये सब ऊपर वाले सॉकेट का साउंड है जिसमें आवाज नहीं आता, सिर्फ सब ऊपर बजता है। इस तरह से 5.1 सिस्टम काम करता है। देखो एक ऑप्टिकल इन है, उसमें से 5 निकलते हैं और एक सब ऊपर का साउंड निकलता है। इस तरह से ये देखो, उसमें आवाज नहीं आती। तो उस तरह से ये सारा सिस्टम है सर, आपने देख लिया। अगर आपके पास डीवीडी प्लेयर है तो इसके साथ डायरेक्ट आप डीवीडी प्लेयर हुकअप कर सकते हैं। और आपके पास ज़्यादा एम्पलीफायर है तो एक सेंटर स्पीकर, एक फ्लोट रैप फ्रंट राइट के लिए यूज़ करते हो, दूसरा सेंटर सराउंड लेफ्ट एंड सराउंड राइट के लिए यूज़ करते हो, एक एम्पलीफायर आप सेंटर स्पीकर के लिए यूज़ करते हो, और सब ऊपर आप सब ऊपर के साउंड के लिए यूज़ कर सकते हो। इसलिए ये बनाया है, जो पूरा डिटेल में आपको मैंने समझा दिया, उसकी कीमत 3,000 रुपये है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।